समाज के सभी वर्ग की हिस्सेदारी के बारे में जानना कि कौन लोग कितने हैं। तो इसके लिए मैं समझती हूँ कि जातिगत जनगणना करना बहुत ही आवश्यक है। जैसे कि सुप्रीम कोर्ट ने भी कहा है कि हम डाटा को ध्यान में रखते हुए रिजर्वेशन की बात कर सकते हैं या फिर जो भी हम आरक्षण देंगे वो डाटा बेस्ड होगा। जैसे कि हम जानते हैं हमारे पड़ोसी राज्य बिहार में जातिगत जनगणना शुरू हुई है। सर्वप्रथम जातिगत जनगणना 1932 में शुरुआत हुई थी, उसके बाद आज तक जातिगत जनगणना कभी हुई नहीं, जो कि अब हम सब लोगों की मांग है और हम सब चाहते हैं कि झारखंड में भी जातिगत जनगणना